कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के बाद अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें जेल में बंद बाबा रामपाल के अनुयायियों पर भाजपा नेता ने धर्म विरोधी पुस्तकें बांटने का आरोप लगाया है। नहीं थम रहा हिंदू देवी देवताओं के अपमान का सिलसिला। कॉमेडियन के बाद अब रामपाल के अनुयायियों ने बांटी विवादित पुस्तकें। रामपाल के अनुयायियों की भाजपा नेता ने खोली पोल। पुस्तकों में लिखी है धर्म विरोधी बातें। यह पूरा मामला मंगलवार देर शाम का है, जब चाणक्यपुरी चौराहे से गुजरते वक्त भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह राठौर ने इन पुस्तकों को देखा, जिसमें धर्म विरोधी कई आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी, जिसके बाद भाजपा नेता अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पुस्तक बांटने वाले 3 अनुयायियों को पकड़कर थाने ले आए। भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह राठौर की माने तो जब वह चाणक्यपुरी चौराहे से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पर इन तीनों को धर्म विरोधी पुस्तकें बांटते देखा। मैं परिवार सहित चाणक्यपुरी चौराहे से गुजर रहा था और रेड लाइट पर मैंने अपनी कार वहां रोकी तो देखा तो करीब 10-12-15 लोग कुछ पुस्तकें वितरित कर रहे थे और शायद बेच भी रहे थे। तो संयोग से जो पुस्तक उन्होंने मेरे हाथ में दी तो उसका शीर्षक और उस पर जो फोटो था वही पहली दृष्टि में प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक था। हम हिंदुओं की जो तीर्थ स्थलों पर जाने की प्रवृत्ति है, पवित्र नदियों में स्नान की और अर्पण तर्पण की जो विधियां हैं उनके खिलाफ उस पुस्तक में काफ़ी कुछ छपा हुआ था, जो कि मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और ऐसा लगा कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये एक दुष्प्रचार षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। मैंने अपनी गाड़ी आगे जाके रोकी और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी बुलाया। बजरंग फोर्स करके एक संगठन है, उसके कार्यकर्ता भी आ गए और सबने फिर उनके उस पुस्तक वितरण पे आपत्ति जाहिर की और उनको कहा कि आप हमारे साथ थाने चलिए, आप समाज में ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म की छवि खराब करने का, बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनको साथ लेकर उन यहाँ थाने आए। अभी पुलिस को बताया, पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम लोग कर रहे हैं रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस ने जिनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, सतपाल आश्रम रामपाल महाराज जो कि जेल में हैं ऐसे ही सब कृत्यों के चलते हुए, तो ये लोग अपने आप को रामपाल महाराज का अनुयायी बता रहे थे। बजरंग बली कुछ भी नहीं है, भगवान शिव कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो रामपाल महाराज है और कबीरदास है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया, कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। भाजपा नेता की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 अनुयायियों और रामपाल आश्रम की पुस्तक प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कुछ लोग कुछ किताबें वितरित कर रहे थे चौराहे पे, जहाँ पर लोगों ने पता चला कि यहाँ जो हिंदू धर्म के खिलाफ है ऐसे कुछ लिखी हुई है, वहाँ देखा, वहाँ पर उनको पकड़ा गया, जिसमें 3 लोग मिले हैं। कुछ किताबें भी हैं जिसमें आपत्तिजनक चीज़ें लिखी गई हैं, जिस पर हम लोग उसका परीक्षण करके विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अगर दूसरे धर्म का अगर अपमान करने वाली बात है तो दूसरे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है तो 295 वगैरह है, पर लेकिन अब फिर भी पूरा अध्ययन करके पढ़ के फिर ये अभी तो रामपाल जी का नाम आया है उस पर से कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार सामने आ रहे धर्म विरोधी इन घटनाक्रमों को रोकने के लिए पुलिस क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।